जय हिंद, नमस्कार, दुआ सलाम। कुछ अपडेट आए हैं पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर और कुछ नोटिफिकेशन आए हैं 4 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 के बीच में, और इन सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स का संबंध है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, जहां 23 और 24 के सत्र के पीएचडी के फॉर्म जो निकले थे, जिसके प्रवेश परीक्षा आप दे चुके हैं, सैकड़ों विद्यार्थी उसको पास भी कर चुके हुए, उन्हीं सैकड़ों विद्यार्थियों के इंटरव्यू के विषय में जानकारी आई है, डेट्स के साथ जानकारी। ये साथ ही साथ एक ऐसा नोटिफिकेशन भी आया है जो समस्या पैदा कर सकता है, या फिर उस नोटिफिकेशन को समझने में मुझे भी समस्या हुई है, और उम्मीद करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उस नोटिफिकेशन को समझाने का मुझे भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 4-5 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के शेड्यूल आए हैं, सभी डिपार्टमेंट का शेड्यूल नहीं आया है। जिस भी डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है वो मैं आपको बता दूंगा, और आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, किस विषय में आपका इंटरव्यू होने वाला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। पहली चीज, इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में रखा गया है। दूसरी चीज, कुछ डिपार्टमेंट में पीपीटी मांगा गया है, कुछ डिपार्टमेंट में प्रपोजल मांगा गया है, और कुछ डिपार्टमेंट में एसओपी मांगा गया है। तीनों डिपार्टमेंट के तीनों ही क्षेत्रों के संदर्भ में डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं उसकी लिस्ट मैं पूरी आपको इसी वीडियो में आपको समझा भी दूंगा, बतला भी दूंगा। अगली बात यह है कि एक फॉर्म आपको भरना होगा, एक फॉर्म विश्वविद्यालय ने आपको दिया है उसको आपको भरना होगा, और भरकर आपको इंटरव्यू के दिन लेकर जाना होगा साथ में फॉर्म नंबर S16। ठीक है, उसके फिर 1, 2, 3 करके चार्टर करके दिए हैं, 3-4 पेजेस का फॉर्म है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उसको भरना जरूरी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की और इंटरव्यू के शेड्यूल्स की। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू के लिए। 6 अक्टूबर नोटिफिकेशन आया डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। 6 अक्टूबर नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीएचडी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात प्रवेश परीक्षा दी है और जिन्होंने अप्लाई किया, उन सभी को सूचित किया जाता है कि 13 से लेकर 30 नवंबर 2023 के मध्य में आपकी साक्षात्कार की प्रक्रिया विभागों द्वारा आयोजित की जाएगी। 6 अक्टूबर का नोटिफिकेशन ये कहता है कि 13 से लेकर 30 नवंबर 2023 के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि सेंट्रल है, आपकी साक्षात्कार आयोजित करवाए जाएंगे, ये नोटिफिकेशन कहता है। मैं भी इस नोटिफिकेशन को कल यानी के लगभग 9 अक्टूबर की रात्रि को देखा, रिलैक्स हो गया था, लेकिन आज जब सुबह मैंने वेबसाइट खोली लगभग 11 बजे के आसपास में, तब कुछ और जानकारियां मिली, है ना, क्योंकि 17 सितंबर को तो एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट भी उसका आ गया, रिजल्ट की आंसर की आपको दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब वेबसाइट खोली गई तो कुछ और नोटिफिकेशन पाए गए। नोटिफिकेशन का समझिए, देखिए नोटिफिकेशन, इसमें कुछ नोटिफिकेशन कल अपलोड किए गए हैं, कुछ नोटिफिकेशन परसों, और कुछ नोटिफिकेशन की डेट पुरानी है लेकिन उनको भी कल ही अपलोड किया गया। ठीक है, और समय बहुत कम है इंटरव्यू का। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस के बच्चे सुनेंगे कि 12 अक्टूबर 2023 यानी कि 2 दिन के बाद, 10 अक्टूबर का वीडियो बन रहा है आप देख रहे होंगे शाम तक, 12 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस का पीएचडी का। जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जिनका जेआरएफ है, नेट है, स्लेट है, एमफिल है, एचपी के वी एस पी पी की जो परीक्षा होती है उसको पास कर रखा है, और इन सभी का इंटरव्यू 12 अक्टूबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस का। दूसरी बात, इंटरव्यू हाइब्रिड मोड पर रखा गया। हाइब्रिड का मतलब होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। अब किस बच्चे को ऑनलाइन बुलाया जाएगा, किसको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, ये फैसला कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक इसकी सूचना आएगी, कोई जानकारी मुझे नहीं, हो सकता है आपको मेल के माध्यम से सूचना गई हो, अगर गई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। इंटरव्यू का टाइमिंग है सुबह 10 बजे, और इंटरव्यू का सेंटर आपका इसमें दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और शाहपुर परिसर शाहपुर, सुबह 11 बजे 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है, डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन प्लांट साइंस के बच्चे ध्यान सुनेंगे कि आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल विथ एक पीपीटी बनाकर लेकर जाना है जो कम से कम 5 स्लाइड का होना चाहिए। एक प्रपोजल और एक अपना पीपीटी लेकर बनाकर लेकर जाना है। हेल्पलाइन के लिए 2 इंक्वायरी नंबर इसमें दिए गए हैं, नोटिफिकेशन इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ फॉर्म नंबर S16 आपको भरकर अटैच करना है और इसको साथ लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन के समय। ठीक है, दिन में हो शाम में हो। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से, है ना, जो कहता है कि 12 अक्टूबर को ही आपका भी इंटरव्यू रखा गया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। सूचना कैसे मिलेगी इंटरव्यू को, इसको लेकर आप डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे है, इंटरव्यू 9:15 से स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और साथ ही साथ में आप लोगों से भी पीपीटी प्लस रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है। ठीक है, आप लोगों से भी पीपीटी प्लस रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है। पीपीटी में आप सभी 5 स्लाइड मैक्सिमम है या मिनिमम ये क्लियर नहीं, लेकिन 5 स्लाइड अपना एक में पीपीटी का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये जिस भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा उसको S16 फॉर्म भरकर रखना है और साथ लेकर जाना है
ये 4 पेज का फॉर्म है, बहुत नॉर्मल सा फॉर्म है, अपने एकेडमी रिकॉर्ड या आपसे पूछे गए हैं, सारी मार्कशीट वगैरह डिग्री इसमें लगानी है और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। एक नोटिफिकेशन और आया है जिसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ रसायन विज्ञान की तरफ से, केमिस्ट्री की तरफ से, जो कहता है कि 11 अक्टूबर 2023 को आप लोगों का इंटरव्यू होना है। 11 अक्टूबर यानी कि कल, यानी कि अभी से लगभग लगभग मान के चलिए 12 घंटे के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं और अभी कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो लगभग 4:16, हाँ लगभग 16 घंटे का समय है आप लोगों के पास इंटरव्यू में जाने के लिए। अभी वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है, 5 बजे का वीडियो मिल जाएगा। तो इंटरव्यू का लगभग आधे दिन का समय आप लोगों को दिया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन 4 तारीख का है, वेबसाइट पर बाद में आया होगा। इंटरव्यू आप लोगों का दोनों माध्यम में होगा क्या, एक मिनट, हाँ नहीं, इंटरव्यू आपका फिजिकल मोड पे रखा गया है, ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बच्चे सुनेंगे, आपका इंटरव्यू केवल केवल फिजिकल मोड पे है, ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन नहीं है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9:30 बजे है और इंटरव्यू आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक SOP लेकर जाना है। ये SOP क्या होता है, SOP में भूल गया, SOP बताएंगे कमेंट बॉक्स में, SOP यानी कि आपके रिसर्च का, शोध का पर्पस क्या है ना, तो आपका पर्पस क्या है, यानी कि इन शॉर्ट में आपके विषय को लेकर अपना एक हाइपोथेटिक, उसमें मेथोलॉजी, उसमें इंट्रोडक्शन और उसमें थोड़ी बिबलियोग्राफी वगैरह का 1 पेज का नोट्स बनाकर लेकर जाना है, 300 से 500 शब्दों के बीच में। रिसर्च ऑफ द पर्पस इसको बोलते हैं, SOP को रिसर्च ऑफ पर्पस, ठीक है, शोध का उद्देश्य क्या है, 300 से 500 शब्दों में लेकर जाना है। और इसी के साथ साथ आपको, हाँ, 5 स्लाइड का PPT भी लेकर जाना है, इसमें ये भी बताया गया है, और साथ ही साथ में सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। और फोन नंबर S16 आपको भरकर लेकर जाना है, प्रमोद कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर है कोई, उनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक नोटिफिकेशन और आया है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्कूल की तरफ से है ये, हाँ यही है, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ। ये क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश के बिजनेस स्कूल वाणिज्य प्रबंधन अध्ययन की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि इंटरव्यू होना है इस डिपार्टमेंट के बच्चों का 12 अक्टूबर 2023 को, रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे, और इसका इंटरव्यू का वेन्यू थोड़ा सा चेंज है, इंटरव्यू केवल और केवल ऑफलाइन माध्यम से फिजिकल मोड में रखा गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, दल्लू धार परिसर, सेकेंड धर्मशाला, 9:30 आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग्स में रखा गया है। और क्या है इसमें, PPT आपसे भी मांगा गया है, 5 स्लाइड का प्रपोजल भी आपसे मांगा गया है, इसका ध्यान रखिएगा, S16 फॉर्म आपको भरकर देना है। लास्ट डिपार्टमेंट जिसका नोटिफिकेशन आया है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इतिहास की तरफ से, इसमें कहा गया है कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी 12 अक्टूबर को तैयार रहना है, और साथ ही साथ ये भी कि आप लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे है और आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा 11 बजे से। वेन्यू क्या है, सप्त सिंधु परिसर देहरा, सब परिसर देहरादून यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। आप लोगों को PPT लेकर जाना है, प्रपोजल बनाकर लेकर जाना है, PPT में 5 स्लाइड होनी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब सुन लीजिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं, 10th 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, UGPG की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि डिग्री नहीं है PG की तो फाइनल मार्कशीट लेकर जाना जरूरी है, रिजल्ट नहीं आया है तो प्रिंट आउट लेकर भी आ सकते हैं। यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, सिलेक्ट पास किया है, कोई अदर क्वालिफाई स्कॉलरशिप आपके पास है, फेलोशिप, उसका प्रूफ आपको लेकर जाना है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्रता परीक्षा 2023 का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, अगर आपने कर रखी है पास एग्जाम कैटेगरी में, तो MPhil यदि करा है, कोर्स वर्क है, कंप्लीट हो चुका है, वाइवा नहीं हुआ, उसका प्रूफ लेकर जाना चाहिए आपको। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेकर जाना है, लेकर जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, और रिजल्ट आपने नहीं देखा तो रिजल्ट की लिस्ट में आपको दे दूंगा, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो अभी केवल इन्हीं डिपार्टमेंट के बारे में सूचना आई है, 4-5 डिपार्टमेंट है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे कमेंट करके बताइएगा, किस डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू है ये भी बताइएगा, विषय बताइएगा, और किस डिपार्टमेंट में आपका आप वेट कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाए मुझे बताइएगा, ताकि जैसे सूचना मिलती है आपको जल्दी से वीडियो बनाकर दे दिया। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई डाउट है, कोई शंका है, जिज्ञासा है, चिंता है, सवाल है, परेशानी है, सवाल को दोबारा बोलिए, उसके लिए माफ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोई शिकायत भी हो सकती है ना आपकी, सुझाव हो सकता है, तो सवाल और शिकायत जरूर कीजिएगा, तारीफ, धन्यवाद, थैंक्स, सॉरी को भूल जाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना, अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा, अध्ययन से ज़्यादा अभ्यास पर गौर कीजिएगा, जितना अभ्यास करेंगे, जितने अभ्यस्त होंगे, सफल होने की संभावनाएं आपकी विकसित होती रहेंगी, और संकुचन का दायरा आपका घटता रहेगा, और विवेक से बुद्धि के बीच का विवेकानुमान का साधारणीकरण भी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।